हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे लौकी और चने की मसालेदार सूखी सब्ज़ी, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप इसे रोटी, पराठी, पूड़ी या चावल किसी के साथ भी खाइए, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मैं हूँ पूजा सिंह और पूजा'स कॉर्नर शो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इसे बनाने के लिए मैंने लिया था एक कटोरी काले चने, जिसको कि रात भर भिगो लिया था, आधी लौकी ली है जिसके छिलके उतार के काट लिए छोटे टुकड़ों में, एक जो है मैंने टमाटर लिए है बड़े साइज़ का, और एक प्याज, टमाटर और प्याज को जो है हमने पीस लिया है। तो चलिए इसको फटाफट से बनाना स्टार्ट करते हैं। गैस ऑन करेंगे, एक प्रेशर कुकर रखेंगे, उसमें 2 चम्मच तेल डाल देंगे। तेल गर्म होने पर 1 चम्मच जीरा डाल देंगे, 2 सूखी लाल मिर्च डाल देंगे, 1 चम्मच जो है मेथी दाना डाल देंगे, थोड़ी सी हींग डाल देंगे और पीसे हुए मसाले को डाल देंगे। साथ इसमें हम डाल देंगे नॉर्मल जो हमारे मसाले होते हैं, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, गरम मसाला, ये डाल देंगे। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लीजिएगा, मैंने अपने हिसाब से डाला है। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और अच्छे से एक बार इसे हम मिला लेंगे। गैस का फ्लेम जो है हम लो रखेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी, जिससे कि हमारे मसाले जले भी नहीं और अच्छे से जो है भुन भी जाएँ। तो ये देखिए हमने चला लिया है, इसे हल्की आँच पर जो है इसे हम भून लेंगे, जब तक कि मसालों से तेल ना छोड़ दे। तो ये देखिए हमारे मसाले जो है भुन गए हैं। तो अब इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट। इस टाइम पे डालने पर सब्ज़ी में जो टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। इसे हम चला लेंगे और फटाफट से इसमें हम डाल देंगे चने और लौकी को। ये देखिए हमने डाल दिया है, और डाल करके क्या करेंगे दोस्तों, इसे हम एक बार अच्छे से मिला लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल देंगे और गैस का फ्लेम जो है हम मीडियम रखेंगे, और ढक्कन लगा करके जो है इसे हम 2 से 3 सीटी आने तक पका लेंगे। 2 से 3 सीटी लगने के बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, ये देखिए हमारी जो सब्ज़ी है बनके बिल्कुल तैयार हो गई है, बिल्कुल सूखी सब्ज़ी है। आप चाहे तो इसे ग्रेवी वाले भी बना सकते हैं। तो आपको कैसी लगी मेरी ये सब्ज़ी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।